हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इट्स मी असीन सैनी, जो कि आज का व्लॉग होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं फिलहाल एक ऑडिशन के लिए, जो कि मलाड वेस्ट में है। तो मैं अभी जा रहा हूँ, फिरोज़ के घर पे है, वो अभी घर पे ही है, मतलब दुकान से आ गया, जो भी उसका काम रहता है। तो टोटली हो गया, खाना भी खा लिया हम लोग ने। फिर अभी चल रहे हैं, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:20, और फिर अभी निकलते हैं। तो चल रहे हैं उसके घर पे। मेरा नाम असीम भी है, अश्विन भी है, एरिया में पेट नेम छोटू भी बुलाते हैं सब लोग। हाँ, मतलब बचपन से सब लोग छोटू भी बुलाते हैं। तो फिर अब बचपन से बुलाते थे, वो नाम तो पड़ ही जाएगा, अभी क्या बोलूँ। ऑफिशियली मेरा नाम है असीम, और एरिया में छोटू और अश्विन दोनों बुलाते हैं। वीडियो देखते हो लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई, सब्सक्राइब तो करो यार भाई का चैनल है, यार छोटा सा चैनल है, उसको बड़ा करो थोड़ा, समझ रहे हो ना। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, सब करो प्लीज़। बैठा था तो सोचा आज क्या करूँ, कौन सा ब्लॉग बनाओ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। तब से एक मैसेज आया, तो ऑडिशन का ओपन ऑडिशन है मलाड वेस्ट में। तो हम लोग सोचे चलते हैं, और ब्लॉग भी बन जाएगा और ऑडिशन भी हो जाएगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो हे गाइस, हम लोग ने फिरोज को अभी ले लिया है। क्या बोला तूने? मतलब कि साथ में चल रहा है, हमने उसके घर पे से हम लोग ने उसको पिकअप कर लिया, मैंने उसको, और अभी चलते हैं स्टेशन मलाड वेस्ट के लिए। फिर से हुआ एक हादसा, जो कि जहाँ जाने वाले थे वहाँ अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब देख सकते हो आप, मैं हर्बल लाइन पे खड़ा हूँ, क्योंकि जहाँ ऑडिशन था वहाँ किसी रीज़न से वो ऑडिशन का प्लेटफॉर्म जो अभी बंद किया हम लोग ने। तो अभी जब चालू करेंगे, देखते कब चालू करेंगे। टाइम को ख़राब करते हुए तो हम लोग अभी चल रहे जहाँ ऑडिशन जाने वाले थे वहाँ पर नहीं जा रहे, और इससे अच्छा चलते कि हम लोग दोनों के पास किसी के पास स्टैंड नहीं है, तो हम लोग चलते एक ट्राईपॉड लेने के लिए, जो कि हम लोग जा रहे हैं अभी मस्जिद बंदर। तो अभी चर्चगेट की ट्रेन लगी है, तो अभी CST की लगेगी, तो फिर चलते। मुझे समझ में नहीं आता है कि यार हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जिधर जाने वाले होते उधर नहीं हो पाता है, जिधर गए होते उधर कुछ खुला नहीं होता है। यार भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है, तुम लोग साथ दो तो कम से कम सब्सक्राइब तो करो। भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा। ट्रेन बहुत ही लेट है, 3:46 की ट्रेन है, अभी बज रहा है 3:27, जो कि घर पे आते आते मुझे लगता है 7:30 तो आराम से बची जाएगी, क्योंकि जाने में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40-45 तो लगेंगे। तो 90 ऐसे ही हो गए, 90 तो ऐसे ही हो गए आने जाने में, लेने में 1-2 घंटा, फिर समझो आज का दिन को पैसा बर्बाद पहन चोद। ट्रेन में बैठ गए हम लोग, तो चलते हैं देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था पिछली बार भी हमारे पास टिकट, ये बार भी मतलब लेते ही मिलता ही नहीं है टिकट, चलते हैं देखते हैं। ट्रेन तो स्लो है, 3:46 को वहाँ से निकली थी ट्रेन, अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुँचती है। ठीक है गाइस, चलते हैं अभी, सफ़र के मज़े लो।
फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए और पहुंच के सबसे पहले जूस 10 वाली दो जूस दे दे। ये तो फिर मेरी अरे पीना बर्फ ज्यादा रे। हाँ तो फिर तेरे को क्या पीना है वो पी ले। नींबू पानी बनाने जा रहे हैं देखो मीडियम। गाइज हम लोग मस्जिद बंदर पहुंच तो गए लेकिन अब हमें भी पता नहीं कि इलेक्ट्रिक सामान कहाँ पे मिलता है और स्टैंड कहाँ पे मिलता है। तो अभी चलते हैं किसी शॉप वाले से पूछेंगे फिर उसके बाद देखते हैं। बहुत ही बड़ा बाजार है, मैंने एक दिन से पूछा तो ये बोले मालूम नहीं है। आप देख सकते हो, मैं आपको बाज़ार दिखाता हूँ कि कितना बड़ा है। प्रॉफिट मार्केट करके है जो कि वहाँ चल रहा है अभी, वहाँ पे मतलब ये सब सामान ही मिलता है जो मतलब मैं लेने आया हूँ। तो देखते वहीं पे चल रहे हैं हम लोग। हम लोग वहाँ बोरा बाजार से निकल गए, ये पीछे साइड है, मतलब इसको मनीष मार्केट भी बोलते हैं, बोरा बाजार भी बोलते हैं सीएसटी का। तो एक दिन हम लोग यहाँ पे आने ही वाले थे लेकिन अब चलो ठीक है आ ही गए हम लोग, तो फिर क्या बोलूँ। स्टैंड हम लोग ने ले लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बड़ा 8 फुट वाला स्टैंड लिया है, जो कि हम लोग को एक स्टैंड भी चाहिए था जो है ना पूरा 360 हो सके। तो टोटल हम लोग को 320 रुपये में सब टोटल हो गया क्लियर। एक स्टैंड भी आ गया और वो अपना ये मोबाइल स्टैंड भी आ गया, तो मतलब जो है ठीक है 320 में क्लियर हो गया है। तो अभी चलते हैं स्टेशन के टाइप पे। मतलब यार बहुत भाव करना पड़ा उससे इतना सारा, तब जाके रिक्वेस्ट किया, तब जाके उसने 320 में दिया हम लोग को। देखते हैं चलो। ट्रेन में बैठे हैं, मैं डायरी थोड़ा पैर दुखने लगा था, सब लॉन्च चला गया पानी में बैठे रहते। अंधेरी उतर गया हूँ मैं और वहाँ से चल चुके हैं, देख लीजिए अभी। मैंने जैसा बोला था 7:30 तो आराम से बच जाएगा, 7 बज देख सकते हो पूरा 7 बज गया। अब देखते अब घर पे क्या होगा और क्या चिल्लाएंगे बहुत ज्यादा, फिर इसके बाद बोलेंगे चल निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। बंद करे सब, समझ नहीं आ रहा देखो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलो बाय गाइस, सब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।